दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ केरला जाने का प्लान कर रहे हैं एंड केरला के मुनार में आप अपने लिए एक बजट कैटेगरी का होटल ढूंढ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे दोस्तों? मैं समय आनंद करने आया हूँ, दिल से दिल की बात। लेट्स गो फॉर दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल जर्नी साथ साथ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हम आए हुए हैं भगवान जी की उनकी खुद की कंट्री में, गॉड्स ओन कंट्री केरला में। केरला में आके हम आ चुके हैं मुन्नार के अंदर। मुन्नार को कहा जाता है द टी कैपिटल ऑफ केरला। बहुत ही बड़ी, मतलब टी की यहाँ पे फार्म्स है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है मुन्नार। एक बार ही तो आप सबको अपनी लाइफ टाइम में आना चाहिए। हिल स्टेशन है ये, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। कोची से सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे दूर है ये, तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब गुड फील, गुड वाइब। 1600 मीटर ऊपर है ये फ्रॉम सी लेवल एंड बाकी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, आपके लिए हम लेके आए एक बजट कैटेगरी का होटल जिसका नाम है टी कैसल। तो अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, केरला का ट्रिप एंजॉय करना चाहते हैं, मुन्नार आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। बाकी चलो, बहुत बातें बाहर कर ली, अंदर लेकर चलते हैं, रूम टूर देते हैं, होटल दिखाते हैं। 2 दिन हम यहाँ पे रुक रहे हैं, क्या प्राइस पड़ा है सारी डिटेल आपको बताते हैं इस वीडियो में। चलो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये देखो, ये है टी कैसल, काफ़ी बढ़िया इससे व्यू मिल जाता है। एंड ये देखो, होटल के कुछ ड्रोन शॉट्स भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया होटल है ये। चलो अंदर भी चलते हैं। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी भी आप पार्क कर सकते हो, गाड़ी पार्क करने के लिए भी यू गेट एम्पल स्पेस। सो फ्रेंड्स, क्रिसमस भी आने वाली है, क्रिसमस की थीम इन्होंने रखी हुई है। हेलो मम्मी, हेलो, वेरी नाइस, नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी। काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है, नीट एंड क्लीन है। ये देखो, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, टीवी वीवी भी देख सकते हो, वाइब इन्जॉय कर सकते हो। ये देखो, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बाकी बेस्ट चीज़ जो इस प्रॉपर्टी की है वो है इसका व्यू। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दिस इज़ देयर रिसेप्शन एरिया। सामान वामान रखो यहाँ पे आराम से। वेलकम ड्रिंक में आपको एक टी देते हैं, सो यू कैन एंजॉय द टी एज वेलकम ड्रिंक। बाकी अब ये देखो, मुन्नार की गाइड है। मुन्नार में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मुन्नार का पूरा टूर इन्होंने लिखा हुआ है। ये रही क्रिसमस ट्री इन्होंने जो बनाई हुई है यहाँ पे वेलकम के लिए, तो काफ़ी सही है यार, वेरी नाइस। बाकी चलो, अब चलते हैं, इनका रूम देख के आते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? अंजना। अंजना इज गोना गिव अस अ रूम टूर। अंजना हमें लेके जा रही है प्रॉपर्टी का टूर करवाने। सो चलो अंजना, लेट्स गो। सो आ जाइए मम्मी, आ जाओ सारे, लेट्स गो। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन द 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पे है हमारा रूम एंड दिस इज द लिफ्ट। लिफ्ट में हम जा रहे हैं एंड बस ये हम पहुंच गए ऑन द 7th फ्लोर भैया। सो चलो लेट्स गो, हम आपको इस प्रॉपर्टी का सबसे बढ़िया रूम दिखा रहे हैं एंड दैट टू इन बजट कैटेगरी। चलो वी आर गोइंग, आ जाओ आराम से मम्मी। मम्मी इज द कैमरा मैन, पता चले मम्मी स्लिप होके आपको नया एंगल कोई दे दें। सो चलो फ्रेंड्स, आपको लेकर चले फाइनली टाइम टू रिवील द दुल्हन चेहरा, द रूम, आ जाइए। सो दोस्तों, ये रूम है, आप देख सकते हो बेड वगैरह, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। बेड वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो 2 बंदे, मैं और मम्मी आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। मम्मी से मैं डांट खाऊंगा एज ऑलवेज। बाकी डांट खाने के बाद रात को आराम से टीवी वीवी देखो, रिलैक्स करो, आओ उसके बाद। प्लीज़ कैमरा मैन आइए, आपको पहले बेस्ट चीज़ दिखाते हैं। ओके, बेस्ट चीज़ यहाँ से है, ये बेस्ट चीज़ खुल गई एंड बेस्ट चीज़ जो है यहाँ से है द व्यू। मेरा बैग थोड़ा अड़ रहा है। द व्यू इज़ वेरी नाइस, वो आपको आराम से दिखाते हैं। बाकी पहले रूम के अंदर और भी चीज़ें दिखाते हैं। सो दोस्तों, थोड़ा सा आप इधर रूम के अंदर आओ। यू गेट 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, आराम से आके पानी वानी मंगवा सकते हो, पानी जितना मर्जी मंगवा सकते हो आप। टी बैग्स, कॉफ़ी वगैरह आपको मिल रही है, साथ में केटल मिल रही है गर्म पानी। जैसे मेरा गला ख़राब था तो इसने बहुत हेल्प किया मेरा। बाकी यहाँ पे आप लगेज वगैरह रख सकते हो, स्पेस है, आगे आ जाओ। तो यहाँ पे यू कैन सिट, यहाँ पे भी बैठ के मम्मी से और डांटे खाने वाला हूँ मैं, सिर्फ डांटे डांटे डांटे, ओनली स्कोल्डिंग। अंजना, योर मदर ऑल्सो स्कोल्ड यू? योर मदर स्कोल्ड्स यू? नो, योर मदर डजंट स्कोल्ड यू, माई मदर ओनली स्कोल्डिंग स्कोल्डिंग। सो दोस्तों, सो दोस्तों, यहाँ से भी आपको व्यू मिल जाता है, पूरा पैरानोमिक व्यू है। सो दिस इज़ वेरी नाइस, बजट कैटेगरी में प्रॉपर्टी है एंड और क्या चाहिए यार, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। सो दोस्तों, ये देखो पूरा पैरानोमिक व्यू है, आपको तीनों तरफ से रूम का व्यू मिलता है। बाकी चलो वॉशरूम चेक करें, ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम ये देखो, काफ़ी नीट एंड क्लीन है वॉशरूम बना हुआ। ये देखो,
ब्रीदिंग एरिया है, गर्म पानी 24 घंटे आता है, टॉयलेटरीज आपको मिल जाती है, सो दिस इज़ वेरी नाइस सर। ऑल इन ऑल ये रही कैमरा मैन, हेलो कहाँ इधर देखो, पता नहीं वहाँ हेलो पीपल कर रही है मम्मी दूसरे होटल में। वाह लेकिन ये देखो दोस्तों क्या नज़ारा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। वो गाना सुना होगा ना आपने, नज़ारे हम क्या देखेंगे भाव, सो दिस इज़ द नज़ारा। सो दोस्तों आई होप आपको हमारा होटल अच्छा लग रहा है, यही रहने वाले हम दो दिन, सो दो दिन मज़ा आने वाले काफ़ी। ये देखो मैं एक बार आपको अपने तरीके से दिखा देता हूँ, अगर आपने कुछ मिस किया है देयर इज़ अ फ़ोन, आप रिसेप्शन वगैरह कॉल कर सकते हो। इन रूम डाइनिंग है, बाकी टीवी वगैरह लगा हुआ है, सिटिंग एरिया है, तो ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसी कुछ वाइब है, आराम से बेड पे आप रहो। अलमारी वगैरह है, सामान वगैरह आप अपना रख सकते हो यहाँ पे, यू कैन कीप योर स्टफ हियर, एंड व्यू तो आपको दिखा ही चुके हैं। सो ऑल इन ऑल ये है ये रूम, आई होप आपको मज़ा आया इस प्रॉपर्टी का ये रूम देख के। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, ये मैं और मम्मी आ गए थे सुबह ब्रेकफास्ट करने। सो दोस्तों इस टाइम तक मैं तो बहुत एक्साइटेड था बिकॉज ये मेरा पहला बुफे ब्रेकफास्ट होने वाला है, वो भी केरला के मुनार के अंदर। दोस्तों होटल की वाइब देखो आप, बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही ब्राइट, एंड दोस्तों बेस्ट चीज़ जो यहाँ से है ना वो सामने का व्यू है। आपको सामने पहाड़ दिख जाते हैं एंड बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यू दिखता है। चलो आप चले एंड देखिए यहाँ पे खाने के मेन्यू में क्या है, मेरे को तो इस टाइम पे बहुत भूख लग रही है। चलो दोस्तों चलकर देखते हैं क्या साउथ इंडिया का बुफे डिफरेंट होता है नॉर्थ इंडिया से, या वैसे ही होता है जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बुफे मिलता है। सो दोस्तों स्टार्टिंग में ये इन्होंने रखा हुआ था मिक्स फ्रूट जूस, एंड साथ में ये रखे हुए थे थोड़े से फ्रूट्स जिसमें वाटरमेलन था एंड पाइनएप्पल। थोड़ा सा ही आगे जाने पर दोस्तों इन्होंने कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए थे फॉर ब्रेकफास्ट, एंड इन्होंने यहाँ पे ब्रेड बनाई हुई थी जो इनके खुद ही यहाँ पे होटल में बनती है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे बटर है, जैम है। दोस्तों ये देखो ये पूड़ी जो इन्होंने बनाई हुई है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाई हुई है, बाकी साथ में यहाँ पे चने वगैरह भी हैं एंड इडली भी है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं साउथ इंडियन स्टाइल का उत्तपम जो लिखा हुआ है बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, साथ में ये मैंगो चटनी है ओए होए। ये देखिए दोस्तों सांभर भी है मेन्यू में, एंड यहाँ पे फ्राइड बनाना भी रखा हुआ है इन्होंने, साथ में इन्होंने एग ऑमलेट भी रखा हुआ है ये देखिए डिफरेंट स्टाइल में। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको चाय कॉफी भी मिल जाती है गर्मा गर्म, हिल स्टेशन है तो मजा आ जाता है ये पी के। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ है यहाँ का ब्रेकफास्ट एरिया। We are just leaving this property. About this property, location की अगर बात की जाए तो location बहुत ही अच्छी है, मिस्टी मुनार का जो proper view है आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिलता है, आराम से आप वो view enjoy कर सकते हो, एकदम cinematic है सारा बाहर, एकदम बहुत ही blissful और amazing रहा है ये, मतलब if I talk about the location. And about the property, neat and clean है, well maintained property है, breakfast was very good, अच्छा था, lot of South Indian food and अच्छी चीज़ थी breakfast की। rooms की अगर बात की जाए तो rooms का size अच्छा है, big size, but only one minus point is the bed size. Bed size जो है वो थोड़ा छोटा लगा मुझे, कि हम दो जने आराम से फिट नहीं आ पाए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट, बहुत अच्छा बना हुआ है, इट इज लाइक एन अंडर एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी फॉर द बजट, इट्स लाइक रियली गुड, सो हाईली रिकमेंडेड। सो दोस्तों चेकआउट करने का टाइम आ गया, मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप मेरे से पूछो इस प्रॉपर्टी का तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, स्टे अच्छा था, सब कुछ सही था, बेड्स छोटे थे जैसे कि आपको मम्मी ने बताया, बट ऑल इन ऑल सही है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो मुनार पे तो यहाँ रुक सकते हो, कुछ पैसे आपके बच जाएंगे, बजट कैटेगरी का होटल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।